प्रयागराज में निकाय चुनाव से ठीक पहले माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का एक लेटर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लेटर एक पर्चे के रूप में प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में बांटा गया, जिसमें मतदाताओं के नाम भावुक अपील की गई। लेटर में सबसे ऊपर अतीक अहमद, बीच में अशरफ और दाहिनी ओर असद की तस्वीर लगी हुई है। अली अहमद के नाम से बांटे गए इस पर्चे के सहारे एक खास समुदाय में अतीक अहमद, अशरफ और असद की मौत के बहाने भावनाओं का ज्वार भरने की कोशिश की गई। लेटर में अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद के साथ शूटर्स के शिकार बने पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को वोट न देने की अपील की। इस लेटर में अली ने परिवार के अन्य लोगों की भी हत्या की आशंका जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी मां का भी एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही है और इसलिए उनकी तलाश की जा रही है। प्रयागराज के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटे गए इस लेटर में लिखा है कि मैं अली अहमद, मरहूम अतीक अहमद का लड़का, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे मेरे पिता, मेरे चाचा अशरफ और मेरे भाई असद को मार दिया गया और अब हमको भी मारने की कोशिश की जा रही है। मेरी माँ का एनकाउंटर करने में पुलिस लगी हुई है। इतना इशारा आप लोगों के लिए काफी है। अब हम मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। जी मीडिया इस लेटर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसके जरिए अतीक के कुनबे ने एक बड़ा सियासी दाव चला है और इशारों में बीएसपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में ही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी होने के बावजूद अभी तक बीएसपी ने उसे पार्टी से नहीं निकाला है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए एक अबूझ पहेली बन गई है। जांच टीमें लगातार उसकी तलाश में छापे मार रही हैं, लेकिन उसके हाथ शाइस्ता तक नहीं पहुंच सके हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शाइस्ता दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि खबर है कि उसने राजधानी के एक वकील से संपर्क किया है। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली के करोलबाग और जामिया नगर में पूछताछ की है। हालांकि शाइस्ता पुलिस की पकड़ में नहीं आई, लेकिन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है। दिल्ली के अलावा एक टीम लखनऊ में भी डेरा डाले हुए है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के लखनऊ में किसी नेता के संपर्क में आने की भी खबर मिली है। पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश दिल्ली और लखनऊ ही नहीं, प्रयागराज और उससे सटे कौशाम्बी में भी हो रही है। दरअसल पुलिस को शक है कि गद्दी मुस्लिम समाज के लोग उसकी छिपने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज के लोग प्रयागराज और कौशाम्बी में ही रहते हैं। इसलिए कौशाम्बी के सराय अकील इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने कौशाम्बी के फकीराबाद गाँव में शुक्रवार सुबह शाइस्ता की तलाश में घर घर तलाशी अभियान चलाया। इस बीच खबर है कि कौशाम्बी में पुलिस ने अतीक अहमद के गुर्गों के घर पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने मुमताज और शमसाद के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अतीक के दोनों गुर्गे अपने घरों से फरार मिले। मुमताज और शमसाद पर आर्थिक रूप से मदद करने का आरोप है। छापे के बाद पुलिस ने परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता से अपील की कि वो किसी भी अपराधी को अपने घर में पनाह ना दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अतीक अहमद के परिवार के करीबियों पर नकेल कसकर शाइस्ता पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार पुलिस से 2 कदम आगे चलती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हर बार एसटीएफ की रेड से पहले शाइस्ता कैसे बच जाती है? क्या शाइस्ता को कहीं से मदद मिल रही है? दरअसल शाइस्ता के पास एसटीएफ की हर जानकारी होती है। रेड से पहले ही शाइस्ता जगह बदल देती है। वो सर्विलांस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ बुरके में 6-7 महिलाएं चलती हैं। पुलिस को इनपुट मिला है कि अतीक की बहन भी शाइस्ता के साथ ही है। हालांकि शाइस्ता की तलाश की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब पुलिस ने शाइस्ता के यहां काम करने वाली नौकरानी से भी पूछताछ की है। ये नौकरानी घटना के बाद से अपने घर से फरार हो गई थी। घर लौटने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। ये नौकरानी शाइस्ता के साथ तमाम जगहों पर भी जाया करती थी। इस बीच शाइस्ता का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शाइस्ता एक जनसभा के मंच पर चढ़ती और बैठती हुई नजर आ रही है। वीडियो में शाइस्ता का बेटा असद भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो शाइस्ता के बीएसपी ज्वाइन करने के बाद का है। शाइस्ता की तलाश के बीच माफिया अतीक अहमद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद से जुड़ी एक और महिला की तलाश की जा रही है, जो साबरमती जेल में उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले मिलने पहुंची थी। कहा जा रहा है कि ये महिला अतीक अहमद से मिलने जेल जाती रहती थी। अतीक जिस भी जेल में बंद रहता था वो वहां मिलने पहुंचती थी। इस महिला ने अतीक से देवरिया, बरेली और प्रयागराज की जेलों में भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक ये महिला प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है। उमेश पाल मर्डर से पहले साबरमती जेल भी पहुंची थी। पुलिस और एसटीएफ को अब इस संदिग्ध महिला की तलाश है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस महिला पर अतीक की तमाम मेहरबानियां रही हैं। कहा जा रहा है कि जेल में रहते हुए भी अतीक इस महिला से लंबी बातचीत किया करता था। इस बीच शाइस्ता के नौकर ने खुलासा किया है कि महिला को लेकर अक्सर अतीक और शाइस्ता के बीच झगड़ा भी होता था।
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। आज से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा और पूछा कि किन हालातों में हत्या हुई और उसके बाद क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि माफिया ब्रदर्स को गाड़ी से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। इस पर यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों की बेंच ने झांसी में अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ पर भी यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। दरअसल याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई है। साथ ही पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की भी मांग की गई है। पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अजय आलोक ने कहा कि मुझे बीजेपी में आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूं जिसके मुखिया मोदी जी हैं। निकाय चुनाव में जुटे सीएम योगी ने यूपी के सीतापुर में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन लग जाए तो हर गांव, गली और नौजवानों तक सुविधाएं पहुंचेंगी। यूपी में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। कौशाम्बी में पुलिस अनाउंस कर गड़बड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। तरीके से शराब बनाता है या चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बटवाता है या पैसे का प्रलोभन देके आपके वोटरों को खरीदने की कोशिश करता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 100 साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। डीडीए की कार्रवाई से लोगों में भारी गुस्सा है। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर दिए तेज प्रताप यादव के बयान पर सियासत तेज हो गई है। धीरेंद्र शास्त्री पटना में हनुमान कथा के कार्यक्रम के लिए 13 से 17 मई को जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव की बेटी तेज प्रताप ने इसका विरोध करते हुए बयान दिया कि अगर बाबा बिहार में हिंदू मुसलमान को लड़वाने आ रहे हैं तो वो उनका विरोध करेंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम। तेज प्रताप के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म का लोग आवेगा तो इनके पेट का पानी नहीं पचेगा, तो समय आने दीजिए जो किस तरह ही बाबा को रोकते हैं। बीजेपी के बयान पर आरजेडी ने भी साफ किया कि बिहार में किसी तरह से भी धार्मिक माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। बिहार को गुजरात बनाने का संकल्प लेकर के बिहार की धरती पर आएगा तो बैरंग वापस जाना ही पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम पहले पटना के गांधी मैदान में होना था लेकिन प्रशासन से इसकी इजाजत नहीं मिलने की वजह से अब ये कार्यक्रम नौबतपुर के तरितपाली मठ में होगा जहां हर दिन करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिसे देखते हुए नौबतपुर में गांव वालों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। तमाम चीजें यहीं पे होंगी, यहां के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है यहां पर लगे हुए हैं। वहीं इलाके के लोगों ने भी तेज प्रताप के बयान पर नाराजगी जताई। नकली सब बांसुरी लेकर घूमते हैं, कभी शंकर के रूप में कभी कृष्ण के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या यह उनकी क्या मंशा है। इस बीच जेडीयू ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो किन्हीं के आगमन को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर संभल कर बयान देती नजर आई। उम्मीद है कि वो आएंगे तो यहां पर एक अच्छी विचारधारा के साथ आएंगे, एक अच्छा संदेश देकर के जाएंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी सम्मान होगा। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर ट्रेन की आवाजाही पर गुरुवार को कुछ बंदरों ने ब्रेक लगा दिया। इसकी वजह से इस रूट पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि गुरुवार सुबह 5:30 बजे जब येलो लाइन पर मेट्रो चलनी शुरू हुई तो बिजली की सप्लाई बार बार बंद होने लगी। जांच की गई तो पता चला कि कश्मीरी गेट से केंद्रीय सचिवालय के बीच बिजली की सप्लाई में कुछ दिक्कत आ रही है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक वहां 3 बंदर पहुंच गए थे जो अंडरग्राउंड तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और बंदरों की इसी हरकत की वजह से बार बार बिजली सप्लाई बंद हो रही थी। बिजली की सप्लाई पर असर पड़ने की वजह से मेट्रो भी रुक रुक कर चल रही थी। 7:45 बजे डीएमआरसी ने यात्रियों को बताया कि बंदरों की वजह से कश्मीरी गेट और केंद्रीय सचिवालय के बीच ट्रेन के संचालन में दिक्कत आ रही है। यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी ने हुड्डा सिटी सेंटर से केंद्रीय सचिवालय और समयपुर बादली से केंद्रीय सचिवालय के बीच 2 लूप में मेट्रो चलाई। आखिरकार 9:00 बजे बंदरों को वहां से सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद ही येलो लाइन पर मेट्रो का संचालन सामान्य हो पाया। Z News.